की बात कर रहा हूँ, एक लड़की ने, कहाँ की बात है, शायद मुंबई की बात है, हैदराबाद के, वो उठ कूद कूद के, कूद कूद के जो जिसने थप्पड़ मारे थे लड़के को, लखनऊ की बात, लखनऊ की लड़की थी वो, तो लखनऊ की बात थी ये। तो आप लोग बताओ, देखो लड़का लड़की कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कोई और भी होता उसकी जगह पे, जेंडर डजन मैटर, जो गलत है वो गलत है, उस लड़की ने वाकई में गलत किया। पूरी वीडियो आप ध्यान से, मैंने भी देखी, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। शुरू में तो ऐसे लगा कि वो लड़की कितनी ऐसे है वैसे है, उसने डर नहीं लगा उसको, उसने मारा, बट किसी चीज़ को गलत, इस एक्चुअली वो क्या होगा, फिर आपको जो पावर्स मिलती है तो गलत फ़ायदा उठाने लगते हो, वो गलत बात है। ठीक है, तो ओब्वियसली देखो लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए, लड़कियों को हमेशा पावर देनी चाहिए, बट लड़कियों को भी समझना चाहिए कि अगर आपको पावर मिल रही है तो उसका गलत इस्तेमाल हमें नहीं करना। सेम वो लड़कों के लिए भी होता है, लड़कों लड़कों चाहे कोई भी हो। तो लखनऊ की उस लड़की से, अब ऐसे करके ही तो होता है कि कुछ लड़कों की वजह से सारी लड़कों का नाम बदनाम होता है, तो कुछ लड़कियों की वजह से सारी लड़कियों का नाम बदनाम होता है, जो कि होना नहीं चाहिए। अगेन मैं कहता हूँ कि लड़के भी अच्छे होते हैं, लड़कियाँ भी अच्छी होती हैं, लड़के भी बुरे होते हैं, लड़कियाँ भी बुरी होती हैं, तो इनमें कोई दुरा नहीं है। और मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग मुझे बताओ कि उस लड़की ने ठीक किया या गलत किया, आप लड़की हो लड़का कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट राइट डाउन चैट सेक्शन। जोमैटो की बात नहीं कर रहा हूँ, आधे लोगों को पता ही नहीं है, लखनऊ में एक लड़की ने, पहली बात तो ग्रीन सिग्नल था, ठीक है, और देखो वैसे तो मैं कोई नहीं होता हूँ, ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, मैं आपके ओपिनियन नहीं थोप रहा हूँ, पहली चीज़ तो मेरा ओपिनियन है कि ऐसा हुआ था जो मैंने देखा बस, और मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी पे अपना ओपिनियन थोप नहीं रहा हूँ। तो मुझे बड़ी चीज़ अजीब लगी कि ग्रीन सिग्नल है, गाड़ियाँ जा रही हैं, तो फिर आप जेब्रा लाइन को क्रॉस क्यों कर रहे हो? तो आप जब जेब्रा लाइन क्रॉस कर रहे हो, आप कई, मैंने देखा उस फुटेज के अंदर कि गाड़ियों से भिड़ते भिड़ते बची है वो, फिर अब आपको तो अच्छी बात है कि आप जब गुजर रहे थे तो उस गाड़ी टैक्सी वाले ने रोक लिया ताकि आपको कोई हार्म ना हो, ठीक है, ऑब्वियसली कितना अच्छा काम किया उसने, रोक लिया तो ये तो अच्छी चीज़ हो गई, ह्यूमैनिटी दिखानी चाहिए थे। पता नहीं इस लड़की के साथ क्या प्रॉब्लम थी, वो वहाँ पर आई, और ये बिल्कुल गलत है। मैं पर्सनल व्यू मेरा यही है कि दैट इज़ रियली रॉन्ग, उस लड़के के साथ उसने बहुत गलत किया है ना, और कोई कुछ आपके टच भी नहीं हुई गाड़ी, फिर भी आपने क्या किया उसके साथ, इतना उसको मारा, बेइज्जत किया। और आजकल प्रॉब्लम यह है, देखो कितनी अफसोस की बात है कि लोग बचाते नहीं हैं, वीडियो पहले बनाते हैं, तो वहाँ पर वीडियो पहले बन गई, सोशल मीडिया पे आ गई, कितने अफसोस की बात है। उस लड़की को भी समझना चाहिए था कि वो क्या कर रही है। तो यहाँ पर एक हमारे साथ एक प्रॉब्लम भी है, प्रॉब्लम ये है कि हम कहते हैं लड़कियों को सपोर्ट करना चाहिए, और बहुत सारे लोग लड़कियों को सपोर्ट करने के लिए, अगर देखोगे तो अगर किसी लड़की को प्रॉब्लम है सड़क पे, तो चार पांच लोग, लड़के या आदमी या जो भी होंगे, औरतें, सब सपोर्ट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए आते हैं। बहुत सही बात है ना, लोग आपको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं, पर उसका आपको गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। अब देखा वहां पर उस टाइम पे क्या था कि किसी ने नहीं पूछा लड़की गलती है लड़के की है, वहां पर लड़की को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो लड़का लड़की को सपोर्ट कर रहा था उस लड़की ने उसको भी नहीं बख्शा, उसको भी मारा। तो बड़ी अजीब सी कहानी है, तो दैट्स वेरी रॉन्ग। आपको काबू रखना चाहिए अपने आप पे और सोच समझ के करना चाहिए, ये गलत बात है।